हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार स्टैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो लिक्विड स्टेटमेंट अकाउंट प्रिपेयर कैसे होती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मतलब आपकी फर्स्ट सीरीज़ में बताया था लिक्विडेशन की, कि लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का वाइंड अप होना, और वाइंड अप करने के बाद कंपनी अपनी जितनी भी एसेट होती है उसको मार्केट में रियलाइज़ करके सारी कैश रिसीव करती है और अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करती है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पे कैश विद द लिक्विडेटर आफ्टर ऑल द एसेट्स रियलाइज्ड एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर आर पेड, कि आपने सिक्योर क्रेडिटर डिवेंचर की पेमेंट कर दी, उसके बाद जो आपके पास कैश अदर लायबिलिटीज़ के लिए अवेलेबल है दैट इज़ 6,73,800। तो वही अमाउंट आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे कैश इन हैंड, मतलब इसको हम एसेट रिलाइज बोलेंगे, वो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो क्वेश्चन में इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है एसेट रिलाइज की, तो यही आपकी एसेट रिलाइजेशन की वैल्यू अवेलेबल होगी फॉर ऑल द लायबिलिटीज रेस्ट जितनी भी आपकी रहती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था लायबिलिटी के लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, तो मैं उस सीक्वेंस को कंटिन्यू रख रही हूँ। तो सबसे पहले आपकी लिक्विडेशन एक्सपेंस आते हैं, सेकेंड नंबर पर आपका लिक्विडेटर रेमोरेशन आएगा, थर्ड नंबर पे आपके प्रोफेशनल क्रेडिटर्स हैं, और फोर्थ नंबर पे आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, और फिफ्थ नंबर पे आपने डिवेंचर्स होल्डर की पेमेंट करनी है, एंड सिक्स नंबर पे आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड सेवन्थ नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड एट नंबर पे आपने इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट करनी है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में पेमेंट मिलेगी उनको। तो सबसे पहला है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लिक्विडेटर एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कि लिक्विडेटर एक्सपेंस अवेलेबल है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन में लिक्विडेटर एक्सपेंस अवेलेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये आपके लिक्विडेटर एक्सपेंस में जो वैल्यू है वो ब्लैंक हो गई। उसके बाद लिक्विडेटर रेमोरेशन के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, लिक्विडेटर रेमोरेशन 2% ऑन प्रोफेशनल एंड अदर अनसिक्योर क्रेडिटर्स, मतलब बोथ 2% आपको प्रोफेशनल क्रेडिटर्स के ऊपर भी देना है कमीशन, और 2% ऑन द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर क्रेडिटर के ऊपर भी देना है। तो 2% ऑन प्रोफेशनल क्रेडिटर के ऊपर जब बोला है वो तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे चेक करोगे आपके प्रोफेशनल क्रेडिटर कितने के हैं। तो क्वेश्चन में प्रोफेशनल क्रेडिटर्स आपके अवेलेबल हैं 30,000 की, यहाँ लिखा गया आपके पॉइंट में प्रोफेशनल क्रेडिटर इज 30,000। तो 30,000 के ऊपर हम लोगों ने 2% की कमीशन जो बोली थी वो कैलकुलेट करी, तो ये अमाउंट आपके 600। तो वही 600 की अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफेशनल क्रेडिटर की कमीशन में डाल दी, ठीक है जी। उसके बाद है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कमीशन, लेकिन अनसिक्योर्ड की कमीशन के लिए हमें एक सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी चेक करनी पड़ती है, कि इसका मतलब है कि आपके जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो फुल पेमेंट लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, जितने भी अनसिक्योर्ड तक की टर्न आती है उन सारी लायबिलिटीज़ की अमाउंट को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो प्रोफेशनल क्रेडिटर हैं आपके 30,000 के, जो कि आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हैं 30,000 के, वही अमाउंट मैंने यहाँ पे पुट करी है प्रोफेशनल क्रेडिटर के लिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर और डिवेंचर्स यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जो एसेट रिलाइज हुई हैं उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस वजह से तो वो भी हमने ब्लैंक छोड़ दी। उसके बाद टर्न आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की अमाउंट हमारे पास सफिशियंट है पे करने के लिए नहीं, तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में मैंने यहाँ चेक करा कि 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कमीशन देने से पहले अमाउंट सफिशिएंट टू पे द फुल अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास जो एसेट रिलाइज हुई है वो आपको जैसे क्वेश्चन में पता है 6,73,800 की, वही एसेट मैंने यहाँ रखी। और अनसिक्योर्ड से पहले की जितनी भी आपकी अनसिक्योर्ड हैं आपके 2,15,000, उससे पहले जितने भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो एक तो हमें प्रोफेशनल क्रेडिटर की कमीशन पता है और प्रोफेशनल क्रेडिटर पता है, इसके अलावा बाकी पेमेंट हो चुकी है यहाँ तक की, तो वो दोनों अमाउंट मैंने यहाँ से जितना भी कैश अवेलेबल था उसमें से लेस कर दी। तो 30,000 की प्रोफेशनल क्रेडिटर, 600 की उनकी कमीशन लेस हुई, तो आपके पास अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर आई है 6,42,000। अनसिक्योर्ड जो क्वेश्चन में आपको एक्चुअल अमाउंट दी हुई है वो है 2,15,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,15,000। तो 2,15,000 और हमारे पास अवेलेबल है 6,42,000, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है इनकी पेमेंट करने के लिए, तो अमाउंट इज़ सफिशिएंट। इस वजह से हमने जितनी उनकी पेमेंट करनी है उसी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें सफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी, तो सफिशिएंसी है, इस वजह से हम 2% कमीशन दे रहे हैं दैट इज़ 4,300। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कमीशन की जगह पे 4,300। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पे थे, डिवेंचर होल्डर ऑलरेडी पे थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आप कितनी पेमेंट लेके जाएंगे 2,50,000, जितने की वो क्वेश्चन में
बताया गया है कि जितने वो लेके जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,15,000 वही अमाउंट हम इनको पे कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो चीज़ें मिलती हैं, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। एक, उनको उनकी कैपिटल मिलती है और दूसरा उनको डिविडेंड मिलता है, अगर कोई भी डिविडेंड एरर में है, मतलब ड्यू है बट पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 4,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच और फुली पेड अप है, मतलब 4,00,000 की वो अपनी पेमेंट लेके जाएंगे। तो वही वैल्यू यहाँ पे कैपिटल की जगह पर डाली है। और जो डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, प्रेफरेंस डिविडेंड वर बीन इन एरर फॉर अ 2 ईयर, मतलब 2 साल से उनका डिविडेंड पे नहीं हुआ है। तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वर्किंग नोट है। एक्चुअल अमाउंट थी 4,00,000 और उसके ऊपर डिविडेंड है आपका 6%। 6% कहाँ से मैंने देखा, यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो इसके ऊपर 6% कैलकुलेट किया, दैट इज 24,000 पर ईयर। तो यहाँ पे 24,000 जो है पर ईयर आया, और 2 साल का क्वेश्चन में बताया गया था एरर था, तो टोटल हुआ आपका 48,000 का डिविडेंड जो आपने कंपनी ने, मतलब कंपनी ने उनको पे करना है, तो 42,000 की आपने डिविडेंड वैल्यू भी डाल दी। अब जितनी भी अमाउंट बचती है, जितनी एसेट रियलाइज हुई और आपने ये जितनी भी पेमेंट्स थी जो आपने फिल करी है, यहाँ पे अब आपकी कमीशन भी कैलकुलेट हो गई है, प्रोफेशनल क्रेडिटर्स भी हो गए, अनसिक्योर क्रेडिटर्स भी हो गए, और आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड और कैपिटल भी हो गई। तो रेस्ट अमाउंट जो बचती है वो मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अगर कोई एक ही सिंगल कैटेगरी होती हम तो सिंपल बैलेंसिंग फिगर डाल देते, बट क्वेश्चन में यहाँ पे कैटेगरी में 2,000 और 6,000, तो दो कैटेगरी इक्विटी शेयर होल्डर हैं, एक ने 75 रुपीज़ पेड अप किया, एक ने 60 रुपीज़ पेड अप किया, तो उनको कैसे पेमेंट करनी है, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें ढूंढना है कि इक्विटी के लिए कितना अमाउंट जो है रेस्ट है। तो इक्विटी के लिए कितना अमाउंट रेस्ट है वो देखने के लिए हमें क्या करना है, जितना आपका यहाँ पे जितनी आपकी एसेट रिलाइज हुई थी और जितनी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक की जितनी पेमेंट है उसको सबको लेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने वर्किंग नोट में वही किया है, मैंने जितना कैश रिलाइज हुआ था उसमें से कमीशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस उनका डिविडेंड, प्रोफेशनल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर क्रेडिटर्स सबकी पेमेंट कर दी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि यहाँ पे जो है नेगेटिव बैलेंस आ गया, पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं वो लॉस भी बियर करते हैं, तो लॉस पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन कितना लॉस बियर करेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है लॉस पर इक्विटी शेयर्स। तो लॉस पर इक्विटी शेयर के लिए होता है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इक्विटी पेड अप कैपिटल, मतलब जो ये जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी है 2000 इक्विटी 6000 इक्विटी, इन्होंने एक्चुअल में कितनी पेमेंट करी थी, तो 2000 × 75 × 6060 ये इनकी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इक्विटी कैपिटल वो अमाउंट माइनस अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी कैपिटल, वो कहाँ से आई, वो आपने यहाँ से कैलकुलेट करी थी, ये है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैप होल्डर्स जो कि नेगेटिव आ रही है, और अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन है 2000 इक्विटी शेयर 75 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो वही मैंने मल्टीप्लाई किया और दोनों की कैपिटल को ऐड कर दिया इक्विटी की, तो 5,10,000 उनकी उनको पेमेंट होनी थी, उन्होंने एक्चुअल में कंपनी को इतनी पेमेंट कर दी है। तो लॉस पर शेयर कैसे बियर करने वाले हैं, तो वही किया मैंने, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इक्विटी कैपिटल आपकी 5,10,000 आई, और माइनस, या बोल सकते हैं कि जितना उन्होंने पे किया था माइनस करना था यहाँ से अवेलेबल फॉर इक्विटी कैपिटल, बट जो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे माइनस का साइन है बट अमाउंट भी नेगेटिव आ गई, इस वजह से ये क्या हुआ, दोनों प्लस हो गए, तो टोटल लॉस 5,34,000 का बन गया, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया 8,000 है, 2,000 और 6,000 दो कैटेगरी इक्विटी शेयर थे, तो दोनों के डिवाइड करने के बाद, टोटल डिवाइड करने के बाद आपका आ रहा लॉस पर शेयर 66.76 रुपीज़, मतलब हर एक को इतना लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेयर करना पड़ेगा। तो होल्डर ऑफ 2,000 शेयर जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने आपके वो 75 रुपीज़ पे किए हैं, तो लॉस तो वो उनके इक्विटी शेयर होल्डर ने जो पेड अप किया है वो 75 रुपीज़ है, लेकिन लॉस पर शेयर जो वो बियर करेंगे 66.76 है, तो नेट अमाउंट पे टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब वो फर्म को इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट जस्ट पे करनी है, 8.24 पर शेयर, और मल्टीप्लाई पे अगर 2,000 करेंगे तो ये 2,000 इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट हो जाएगी। और दूसरा है एक होल्डर जो दूसरे थे 6,000 नंबर ऑफ शेयर्स के, तो उन्होंने पेड अप पर अमाउंट पर शेयर दी है 60 रुपीज़, और लॉस उनके लिए आया है 66.76, तो नेट अमाउंट कंपनी उनसे अब लेगी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लॉस जो है 66.7 से कम की पेमेंट करी है, इस वजह से कंपनी उनसे पैसे मंगवाएंगी, तो इनटू 6,000, तो ये कंपनी को
एक तरह का कैश रिसीव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सेम वही चीज़ करी है कि जिसका नेगेटिव बैलेंस आया था पेड अप माइनस लॉस करके, वो वाला जो है वो कैश इन हैंड या एसेट रिलाइज में डाला गया है, कंपनी उनसे कैश मंगवा रही है, और जो बाकी है आपका अमाउंट पेड, जो मैंने पॉजिटिव वैल्यू आई थी 8.24 आपकी लॉस की, मतलब लॉस बियर करने के बाद उसके अब उसने ज़्यादा पेमेंट करी थी, इस वजह से वो शेयर होल्डर्स वापस लेके जा रहे हैं 8.24 × 2000, तो 1646 वो बैलेंस लेके जाएंगे। तो दैट्स ऑल, ये था आपका क्वेश्चन जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कैसे होती है या लॉस पर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे फाइंड आउट होता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।